विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के नाते जो सारे सदन को विचार करना चाहिए था, उस पर कांग्रेस ने सभी तरह की हदें पार कर दी है। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि आंदोलन में इस तरह का विरोध करना और किसी के विरोध में उनको बायकॉट करके मना करना कि आप यहाँ नहीं आएंगे, वहां नहीं आएंगे, इसके लिए हम इसका विरोध करते हैं। वहीं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, वह मुद्दों पर हल्ला गुल्ला करके मुद्दों को दबाने का प्रयास कर रहा है। वहीं अनिल विज ने कहा कि भारत प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति धरने, प्रदर्शन व भूख हड़ताल कर सकता है, हम उनके खिलाफ बिल नहीं लाए हैं। ऐसे धरने प्रदर्शनों के दौरान जो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, हम उनके खिलाफ बिल लाए हैं। आज कांग्रेस ने गाड़ियां जलाने वालों का समर्थन किया और साफ किया है कि ये वह बिल नहीं पास होने देंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी। सुनिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा। सीएम साहब, जो नेता प्रस्ताव आज आप लेकर आए एक लाइन का, इसको लेकर विपक्ष का जो रवैया था, आपने पूछा जब उनसे कि आप इसमें शामिल हैं, तो उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का मुद्दा है। क्या है प्रस्ताव था और क्या टेक्निकली सवाल कुछ उठाएगा सर? देखिए, आज लोकतंत्र की रक्षा के नाते जो सारे सदन को विचार करना चाहिए था, उस पर किस प्रकार की उन्होंने सारी हदें पार कर दी। कांग्रेस ने सीमाएं सब पार कर दी। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन में इस प्रकार का विरोध करना और किसी के विरोध में उनको बायकॉट करके और मना करना कि आप यहाँ नहीं आएंगे, वहाँ नहीं आएंगे, इसके लिए हम इसका विरोध करते हैं, सदन में उसी तरह कहते रहे। इस आंदोलन का ये स्वरूप नहीं होना चाहिए, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वयं कहा। और जब हमने कहा कि जब वो उस प्रकार का काम करते हैं, तो बिना पार्टी के नाम लिए हमने एक प्रस्ताव रखा कि प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि किसी भी राजनीतिक नेता को यदि कोई व्यक्ति, कोई संगठन ऐसे विरोध करता है और उस विरोध में बायकॉट सीमा तक के भी कहीं हम प्रवेश नहीं करेंगे, तो ऐसा कोई करेगा तो हम उसका एक निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं। ऐसा जो प्रस्ताव रखा तो भाग खड़े हुए, यानी जैसे ऐसी हालत बन गई कि आंदोलन की गले की फांस बन गया है। अब वो स्पोर्ट तो कर बैठे, हड्डी अटक गई है, ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। अब उस आंदोलन को स्पोर्ट भी कर रहे हैं और उस आंदोलन में जिस प्रकार की बातें की जाती हैं, उससे पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। इनकी हालत बुरी हो जाएगी। वो कहावत है ना कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। बिल्कुल दोहरा चरित्र है सामने। जब इनके लोग बैठते हैं और बैठ करके जिस प्रकार की बातें करते हैं, हमारे विधायक असीम गोयल जी ने जो कुछ कहा उसमें कोई आपत्तिजनक विषय नहीं था यहाँ विधानसभा में, लेकिन उनके घर के बाहर जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों के समेत लोगों ने आकर के जो विरोध किया और उनका के गोली से उड़ा देंगे, 302 आप पर लग जाएगी, हम पर लग जाएगी, इस प्रकार की भाषा बोलने वालों का विरोध, क्या वो अपनी बात विधानसभा में नहीं कह सकते थे? कह सकते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि जो इस विधानसभा में चुन के आता है, क्या कुछ उसके साथ घटित होती है, उसको पूरा अधिकार है विधानसभा में रखने का। उन्होंने उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि विधानसभा से बाहर अगर कुछ होता है विधायक के साथ, तो वो बात यहाँ नहीं रख सकते। आखिर विधायक विधायक है, जनप्रतिनिधि है, कोई भी बात कहीं की भी घटना होगी तो यहाँ रखी जाएगी और विधानसभा में कोई भी किसी भी सीमा तक, यानी विधानसभा उसके खिलाफ एक्शन प्रपोज भी कर सकती है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं, इनकी डबल दोहरी नीति, इनको कहीं काम नहीं आएगी। कांग्रेस को लोकतंत्र को बचाने में सदन में एक स्वर से सब लोगों को बोलना चाहिए। आखिर कोई राजनीतिक दुश्मनी नहीं है एक दूसरे के साथ हमारी, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन किसी का भी अधिकार, किसी की फ्रीडम, ये एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होती। हर एक फ्रीडम भी जो होती है वो दूसरे की जहाँ
फ्रीडम शुरू होती है वहाँ हमारी सीमित हो जाती है। हमारे अपने अधिकार हैं, लेकिन सामने कोई व्यक्ति है जिसके बारे में हम बोलते हैं, कोई आलोचना करते हैं, वहाँ उनके भी अपने अधिकार हैं। इसलिए नो फ्रीडम इज़ एब्सोल्यूट फ्रीडम। मर्यादाएँ सबके लिए होती हैं, सबको उस पर चलना चाहिए, इतना ही हमारा कहना है। और दूसरा विषय, आज जब एक बिल पेश हुआ जिसमें कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी अथवा प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई इस प्रकार के आंदोलन में नुकसान पहुंचाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उससे वो जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए भी उसमें प्रावधान है। यानी इस बिल के ऊपर चर्चा करनी तो दूर की बात, इस बिल को इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया है इसका विरोध। इसका मतलब यह है कि आप क्या चाहते हैं, आंदोलनकारी नुकसान करने के लिए उनको छूट दे रहे हैं, चाहे वो सरकारी नुकसान है चाहे प्राइवेट नुकसान है, ये किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो इस प्रकार से फंसे हैं, ना आगे जाते बनता ना पीछे जाते बनता, बैठ के विचार करें, अपने अंतःकरण से सोचें कि हमको किस दिशा में चलना है। धन्यवाद। आपने नाम लिया बकायदा राजगीर का, अभियान कांग्रेस का, किस स्तर का इन्वॉल्वमेंट आपको लगता है इसमें है? नहीं, देखिए सदन को जानकारी दी है, उसके बाद मुझे जो जानकारी मिली कि तीन मेंबर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जो सदन के अंदर हमने जानकारी देने के पश्चात जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसकी जानकारी भी सदन को हम देंगे। डीजीपी ने बनाई है, डीजीपी हरियाणा ने तीन सदस्यीय कमेटी एक बनाई है, उसकी नोटिफिकेशन हो गई है मेरे पास उसका। हाँ, उसके ऊपर मुझे जो जानकारी मिली है मेरे पास आ गई है, वैसे कॉपी डीडीआर की कॉपी आ चुकी है। हाँ, डीडीआर हुई है उसके ऊपर। सर, सदन में जो विपक्ष का और सत्ता पक्ष का जो आप माहौल देख रहे हैं, किस तरीके से विपक्ष तमाम जो सार्थक मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, तमाम मुद्दों पर सहयोग मिल रहा है आप? नहीं, विपक्ष जो है ना चर्चा से भाग रहा है जी। विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, मुद्दों के ऊपर हल्ला गुल्ला करके मुद्दों को दबाने का प्रयास करता है। पिछली बार भी आपने देखा था, पिछले सत्र के अंदर भी हम मांग कर रहे थे कि भी हम बोल रहे थे कि चर्चा करो, वो कह रहे थे कि वोट कराओ। आज भी उसी प्रकार का माहौल देखने को मिला, जब एक संपत्ति जो संबंधी बिल सरकार की तरफ से आया और इंट्रोडक्शन के बाद जो बिल मंजूर होने के पश्चात इंट्रोड्यूस होने के पश्चात बाद में वो कहते हैं कि इसके पर वोटिंग कराइए। मैंने कहा पहले चर्चा करिए, चर्चा करेंगे और कल को हम वोटिंग भी कराएंगे, आप मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन उनका ये हर बार ये कहना कि पहले चर्चा कराओ, पहले इसके ऊपर वोटिंग कराओ फिर चर्चा करो, ये ठीक नहीं है। इंट्रोड्यूस हो गया कल, उसके या कल या परसों उसके ऊपर चर्चा होगी, चर्चा के पश्चात अगर उनकी मांग होगी तो उसके ऊपर जरूर वोटिंग कराएंगे। सीता बुक्कल का ये भी आरोप था कि स्पीकर साहब ने आज सरकार का साथ दिया, आज संख्या बल कम था तो आज वोटिंग कराने से बचते हुए नजर आए, ये भी नहीं। देखिए किस प्रकार से संख्या बल कम था, आज मेरे पास सारी फुटेज है, अगर उनको किसी प्रकार का वो भ्रम है तो वो भी उस प्रकार से भी दूर किया जा सकता है उनको फुटेज दिखा करके। मुख्यमंत्री जी ने जो आपको निंदा प्रस्ताव दिया था उस पर विपक्ष का ये कहना है कि विधानसभा की रूलिंग को फॉलो नहीं किया गया और निंदा प्रस्ताव को पहले टेबल पर दिया जाना चाहिए, सदस्यों को जानकारी हो उसके बाद उस पर बातचीत होनी चाहिए। नहीं, देखिए कोई भी प्रस्ताव नेता सत्ता पक्ष की तरफ से आता है, लीडर ऑफ द हाउस की तरफ से आता है, तो उसके ऊपर निर्णय स्पीकर ने लेना होता है। और मैं समझता हूँ कि ये प्रस्ताव ऐसा था जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए, हर विधायक का, हर चुने हुए प्रतिनिधि का एक अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र के अंदर जा कर के कोई भी अपने पक्ष में जा कर के अपनी बात कर सकता है। लेकिन कुछ लोग जोर जबरदस्ती से उसके जो लोकतंत्र का अधिकार है उसका हनन करते हैं, तो उस संबंध में मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। प्रस्ताव यही था कि हम सब चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम सबको इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं
उसको अपोज करना चाहिए और उन जो लोग इस प्रकार का व्यवहार करते हैं उनके खिलाफ हमें उनकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन जो हमारे विपक्ष के साथी हैं उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। जब ये बात हमारे विधायक असीम गोयल जी ने बात कही कि जो उनके घर के ऊपर जो अटैक हुआ, घर पे ऊपर जाकर इस प्रकार से गाली गलौच हुआ और यहाँ तक के मारने की धमकी दी गई, मैं समझता हूँ कि एक चुने हुए नुमाइंदे का एक लोकतंत्र के अंदर ये अधिकार है कि वो अपने इलाके के अंदर जाकर के बात कर सके। लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी प्रकार से, और मैं कहूँगा कि उनको रोकने का जो काम है उसमें दूसरे लोग करें सो करें, लेकिन जब जो विपक्ष है या जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनको ऐसा उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड क्या दर्ज हुआ है विपक्ष का, वॉकआउट कर गए, निंदा प्रस्ताव पे समर्थन दिया, ऑन रिकॉर्ड क्या है विधानसभा के पटल पे जो रखा गया है? नहीं नहीं, वो कोई ऐसा वॉकआउट उन्होंने नहीं किया, कोई इसके बारे में वॉकआउट कोई नहीं किया। लेकिन उनको इस बात का मैं समझता हूँ कि सपोर्ट करनी चाहिए कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो धक्केशाही से, गुंडागर्दी से, किसी भी प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, लोकतंत्र में चुने हुए नुमाइंदों को उनके क्षेत्र में जाने से रोकते हैं, उनकी हमें भर्त्सना करनी चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव जो है उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को भी शामिल होना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि उनके जो कार्यकर्ता हैं या उनके लोग हैं वो इस प्रकार का कोई कृत्य ना करें। सर, इस प्रस्ताव को तुरंत बाद तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बाहर जाते नजर आए हैं, तो क्या वो अधिकृत तौर पर वॉकआउट नहीं था? विपक्ष कह रहे हैं सर हमने तो वॉकआउट किया, ये जो संपत्ति वाला कानून है इस मामले में भी और ये निंदा प्रस्ताव इस मामले देखिए इस देखिए ये संपत्ति वाले मामले में उनका वॉकआउट किस चीज को लेकर के है? उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, बिल इंट्रोड्यूस होने के पश्चात वो कह रहे हैं कि इसका आप मतदान कराइए। जब बिल एक्सेप्ट हो चुका, पास हो चुका, उसके पश्चात वो कह रहे हैं, अगर उस समय का बात करते तो कुछ बात और थी। मोर ओवर मैंने एक बात कही है कि कल चर्चा होगी, परसों होगी, उस पर आप बोलिए, आप अपना पक्ष रखिए, सत्ता पक्ष अपना पक्ष रखेगा, उसके पश्चात वोटिंग मैं करवाऊँगा, वोटिंग जरूर होगी। लगा लें दोनों देखिए भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी जत्थेबंदी, कोई भी संगठन प्रदर्शन कर सकते हैं, धरने दे सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं या और तरीके अपना सकते हैं। हम उनके खिलाफ बिल नहीं लाए, हम ऐसे प्रदर्शनों के दौरान जो हिंसा होती है, जो प्रॉपर्टी को, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, हम उसकी भरपाई के लिए बिल लाए हैं। और आज बड़ी बेशर्मी से कांग्रेस पार्टी ने सदन में हिंसा का समर्थन किया, आग लगाने वालों का समर्थन किया, बसें जलाने वालों का समर्थन किया, दुकानें जलाने वालों का समर्थन किया, गाड़ियां जलाने वालों का समर्थन किया। या कोई भी नुकसान अगर कोई करता है तो कांग्रेस ने अपनी मंशा आज स्पष्ट कर दी कि वो उसका समर्थन करते हैं, वो ये बिल पास नहीं होने देंगे। वो तो जब एक्ट आएगा, जब एक्ट आएगा, आज तो खाली संकल्प पेश किया है, जब एक्ट आएगा उसकी क्लास बाई क्लास पे चर्चा हो जाएगी। देखिए सरकार लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोई कदम उठा सकती है। अब हुड्डा साहब तो हर प्रकार से जो है वो सरकार की आलोचना करना चाहते हैं, उनका अधिकार है, करें। साहब आज जो निंदा प्रस्ताव लेकर आए थे कि जो किसान जो विरोध कर रहे राजनीतिक लोगों का, कांग्रेस कह रही है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है नहीं और जिम्मा हमारे सर पे फोड़ा जा रहा है और हमारे ऊपर हमें उसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पूरा है। आप देखिए कि इतने दिनों से
110 दिन हो गए, हरियाणा की सीमा में कोई हिंसक गतिविधि नहीं हुई है। ये लॉ एंड ऑर्डर की सफलता है। अब हुड्डा साहब को कहाँ बिगड़ा हुआ नज़र आता है, अब ये मुझको मालूम है। किसानों के मुद्दे पर सीधा एकदम से एक प्रस्ताव आया, निंदा प्रस्ताव, हालांकि कांग्रेस ने उसका बायकॉट किया, आप बाहर चले गए थे, आप उसमें सहमत नहीं थे, क्या मामला था सर? मुख्यमंत्री क्या प्रस्ताव लेकर आए? कौन सा एक निंदा प्रस्ताव आया था सर कांग्रेस ने? नहीं, वो तो प्रस्ताव ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई प्रस्ताव ना, हमने पूरा पढ़ाई नहीं किया प्रस्ताव था, वो तो कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार का काम है, क्या नाम, विधायकों का नहीं है या असेंबली का नहीं है, सरकार चुन के भेजी है, कानून व्यवस्था काम उनका है। ये उसका जो बिल इंट्रोड्यूस किया था, हमने बिल को इंट्रोडक्शन स्टेज पे अपोज किया, क्योंकि ये जल्दबाजी में लाया गया और इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, या तो सेलेक्ट कमेटी में भेजते, जल्दबाजी में लाया गया, तो इस वास्ते हमने इंट्रोडक्शन स्टेज पे अपोज किया। हमने कहा कि भाई डिवीज़न मांगा, डिवीज़न नहीं दी गई हमारे को, ये प्रजातंत्र का गला घोट गया, जबकि रूल्स में डिवीज़न का प्रोविजन है। ये जो बिल हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर बिल, क्योंकि ये अब सरकार ने सड़कें खोदी थी, पिछली बार प्रकाश सिंह कमेटी ने पूरी तरह से सरकार को दोषी माना गया, तो सरकार को एक तरफा थोड़ा ही होगा, अगर सरकार दोषी होगी तो उसका भी तो प्रोविजन होना चाहिए था इसमें, उसका भी तो होना चाहिए, सरकार के एक्शन से कोई प्रॉपर्टी का नुकसान होगा तो उसके दोषी कौन होगा, तो इस वास्ते जल्दबाजी में किया गया, ये बड़ा सोच समझ के लाना चाहिए था, और ये इसी वास्ते हमने इसको अपोज किया था, और जब हमारी बात नहीं मानी, वोटिंग नहीं करवाई, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ MLAs मेरे को ऐसा लगा कि इस हक में थे कि अभी इसको ना इंट्रोड्यूस किया जाए और इस पर पूर्ण विचार करके सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। सर, जो किसान आंदोलन चल रहा है, क्या उसको सरप्रेस करने के लिए या उसकी टाइमिंग जो है इस वजह से लाया गया सर? भाई जल्दबाजी में लाया गया और पूरे पहलू कवर नहीं किए गए इसमें जो हमने देखा, इसी वास्ते हमने इंट्रोडक्शन उस पर अपोज किया। सर, किसानों के मुद्दे पर जब आज बात हो रही थी, वो निंदा प्रस्ताव की बात हो रही थी, सरकार ये कह रही है प्रेस नोट जारी करके कि आप लोगों ने ये कहा कि भी हम समर्थन करते हैं, जबकि आप तो बाहर चले गए थे उस निंदा प्रस्ताव को। नहीं, हमने क्या कहा था, सरकार ने कहा कि कुछ लोग उकसा रहे हैं, मैं हमारी पार्टी कोई नहीं उकसा रहा, कोई भी हमारा जो विधायक है इसको इसमें नहीं उकसा रहा, लेकिन आप किसानों के साथ है, समर्थन उतनी किसानों की मांगों के साथ है, आज भी है पूर्ण तरह से। हाँ, वो है हमारे कई जो बोलने वाले थे उन्होंने बताए हैं, और दान सिंह जी ने बताया, किरण ने बताया, किरण चौधरी थे और भी हमारे साथी बोले हैं, और कल फिर बोलेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, राज बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक